जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू इंडस रेंजर्स चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। इसमें बेसिकली हम सारे फेजेस देखेंगे सेल साइकिल के, और दूसरा देखेंगे जो सेल डिवीज़न होता है अलग अलग, जो कि तीन प्रकार के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोटिक। इसमें सारे जो पहले हम देखेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था हॉवर्ड और पीली के द्वारा इन 1953। सेल साइकिल में बेसिकली दो फेज होते हैं, पहला है आपका इंटरफेस और दूसरा है आपका एम। इंटरफेस को अनडिवाइडिंग फेज कहा जाता है और माइटोसिस फेज को डिवाइडिंग फेज कहा जाता है। इंटरफेस को बेसिकली अनडिवाइडिंग फेज इसलिए कहा जाता है, जो लास्ट सेल होता है, जो डिवाइड हो, जो प्री मैच्योर रहता है, अपने आप को मैच्योर बनाता है, रेस्टिंग फेज में होता है, मीन्स अपने आप को केपेबल बनाता है नेक्स्ट डिवीज़न के लिए। तो ये लास्ट माइटोसिस फेज और बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड माइटोसिस के बीच में जो पीरियड होता है, इंटरफेज उसको कहते हैं, जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है दूसरे सेल डिवीज़न के लिए। इंटरफेज में बेसिकली तीन फेज होते हैं, आपका पहला है G1 फेज, दूसरा है आपका S फेज, तीसरा है आपका G2 फेज। पहला है आपका G1 फेज। G1 फेज बेसिकली वो फेज होता है जब एक सेल माइटोसिस से होके आता है और वो प्री मैच्योर रहता है, जिसमें DNA रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। ये जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इसमें ग्रोथ जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, और ये खुद में अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है और लिपिड्स और प्रोटीन बनाता है। इसमें बेसिकली जो DNA होता है वो सेम होता है, रेप्लिकेशन इसमें अकर नहीं होता है, मीन्स इनिशिएट होता है DNA रेप्लिकेशन। अब दूसरा है आपका S फेज। S फेज में ही बेसिकली आपका जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो अकर होता है। इसमें जो आपका DNA होता है वो 2 क्रोमोसोम से होके 4 क्रोमोसोम्स हो जाता है। बेसिकली एनिमल सेल में जो S फेज होता है उसमें DNA रेप्लिकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस में अकर होता है, और डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीऑयल वो अकर होता है साइटोप्लाज्म में। याद रखिएगा, सेंट्रीऑयल जो होते हैं वो प्लांट सेल में नहीं होते हैं। और S फेज में सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। अब आते हैं G2 फेज पे, जो कि आपका थर्ड फेज है। G2 फेज में बेसिकली आपका सेकेंड गैप फेज होता है। इसमें बेसिकली जो सेल होता है वो अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीज़न के लिए। तो बेसिकली इसमें जो प्रोटीन और RNA होते हैं वो सिंथेसिस हो जाते हैं और लीड करते हैं दूसरे माइटोसिस सेल डिवीज़न के पाथ पर। इस फेज को हम पोस्ट सिंथेटिक और प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस के पहले वाला फेज होता है, जिसमें जो सेल होता है वो अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए तैयार करता है। इस फेज में बेसिकली जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं, क्योंकि उसको डिवाइड होना होता है नेक्स्ट फेज में। इसमें जो ग्रोथ ऑफ सेल जो होता है वो कंटिन्यू होता है, और सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है दूसरे डिवीज़न के लिए। अब आता है आपका M फेज, जो कि डिवाइडिंग फेज है। इस M फेज को बेसिकली हम एक्चुअल फेज कहते हैं सेल डिवीज़न का। माइटोसिस डिवीज़न बेसिकली आपका वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल पे होता है, और मियोसिस डिवीज़न जो होता है वो आपका जनरेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल पे होता है। M फेज में बेसिकली जो आपका DNA रेप्लिकेशन हुआ होता है, या डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो अलग डॉटर सेल में, मीन्स जो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं या DNA होते हैं वो अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाते हैं। M फेज में बेसिकली आपका जो डिवीज़न होता है वो बेस होता है आपका न्यूक्लियर डिवीज़न और साइटोप्लाज्म डिवीज़न पे। न्यूक्लियर डिवीज़न जो होता है उसको हम कायरोकाइनेसिस कहते हैं। कायरो मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब डिवीज़न होता है, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है सेल का उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटो मतलब बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म हो गया, और काइनेसिस मतलब डिवीज़न हो गया। M फेज को बेसिकली हम इक्वेशनल फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो सेल्स में, और इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होते हैं दो या चार डॉटर सेल्स में। तो आइए हम अपना सेल डिवीज़न देखते हैं। अब देखते हैं हम अपना सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये दिया गया था साइंटिस्ट नगेली के द्वारा, उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था सेल डिवीज़न का, और ये ऑब्जर्व किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा इन 1882 में। इन्होंने बेसिकली एक रेप्टिलियन जिसका नाम था ट्रिटरस मैस्कुलस, ये बेसिकली एक रेप्टाइल है जो कि एक लिजर्ड की जैसे दिखता है, इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल डिवीज़न, और इसको नाम दिया था इन्होंने माइटोसिस।
कंप्लीट जो स्टडी किया गया था वो किया गया था बेलार के द्वारा इन 1920, और इसको इन्होंने सेल डिवीज़न या सेल प्रोडक्शन नाम भी दिया था। अब देखते हैं मोड्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के बेसिकली तीन मोड्स हैं, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस जो फेज़ है या सेल डिवीज़न का जो मोड है ये बहुत रेयर होता है और इसको कंसिडर नहीं किया जाता है एग्जैक्ट मोड ऑफ सेल डिवीज़न। ये बेसिकली अकर होता है मैमिलियन कार्टिलेज में, एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन ऑफ सम वर्टिब्रेट्स में, ओल्ड टिश्यू या डिजीज टिश्यू में ये बेसिकली अकर होता है। और दूसरा है आपका माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली आपका फर्स्टली एक्सप्लेन किया गया था एडवर्ड स्टैटबर्गर के द्वारा। माइटोसिस जो है वो आपका सोमैटिक सेल जो होता है एनिमल्स के उसमें अकर होता है, तो इसको हम सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें बेसिकली आपका टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और इसमें जो क्रोमोसोम्स रहते हैं अलग अलग वो सेम होते हैं। पेरेंट सेल होता है वो अपना जो क्रोमोसोम्स होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली दोनों डॉटर सेल्स में। अब देखते हैं माइटोसिस के फेजेस। माइटोसिस के बेसिकली चार फेजेस हैं। पहला आपका प्रोफेज, दूसरा आपका मेटाफेज, तीसरा है आपका एनाफेज और चौथा है आपका टेलोफेज। तो पहला देखते हैं हम अपना प्रोफेज। प्रोफेज माइटोसिस का सबसे लंबा फेज होता है, ये बेसिकली 50 मिनट तक का फेज होता है। इसमें जो बेसिकली जो क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं वो कंडेंस होते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो बेसिकली बीच से जुड़े होते हैं उसको हम सेंट्रोमर कहते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं एस्टर। एस्टर की हेल्प से बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। अब हम देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज बेसिकली आपका शॉर्ट और सिंपल फेज होता है, 2 से 10 मिनट तक का ही होता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो सेंट्रियोल है उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है और जो क्रोमेटिड मटेरियल्स हैं प्रॉपरली क्रोमोसोम्स में फॉर्म हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स वो आपका स्पिंडल फाइबर की मदद से बिल्कुल ही एकदम इक्वेटर ऑफ द सेल में अरेंज हो जाते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। और याद रखिएगा क्रोमोसोम्स जो बीच से जुड़े होते हैं वो बेसिकली सेंट्रोमर की हेल्प के वजह से जुड़े होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं बिल्कुल ही बीच से उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमर और काइनेटोकोर का डिफरेंस समझिएगा। स्पिंडल फाइबर से जो जुड़ा होता है क्रोमोसोम बीच से उसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, और क्रोमोसोम जो बीच से जुड़ा होता है उसको हम सेंट्रोमर कहते हैं। मेटाफेज बेस्ट फेज होता है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रॉपरली फॉर्म हो जाते हैं। थर्ड है आपका एनाफेज। एनाफेज भी बेसिकली आपका 2 से 3 मिनट के लिए होता है। इसमें जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपका मूव कर चुके होते हैं क्वार्टर प्लेट से, और इसमें जो आपका क्रोमोसोम्स हैं वो बीच से डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स सिक्सर क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपका स्प्लिट हो जाते हैं बीच से, मीन्स 2 अपोजिट साइड में और 2 अपोजिट साइड में हाफ हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ये मूव करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके आगे के प्रोसेस में आपका ये जो सेल होता है वो डिवाइड होने लगता है, जिसको हम टेलोफेज कहते हैं। अब फोर्थ है आपका टेलोफेज। टेलोफेज में बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल ही दोनों अपोजिट साइड में आ जाते हैं, सेंट्रियोल का डिवीज़न हो जाता है, मीन सेंट्रियोल जो अपोजिट अपोजिट साइड में वो दो दो फॉर्म हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रीवियस फॉर्म जो होता है थिन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये दोनों ही फॉर्म हो जाता है बिल्कुल ही अपोजिट सेल्स में, और इसमें जो आपका सेल डिवीज़न है साइटोकाइनेसिस वो आपका बिगिन होने लगता है। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में बेसिकली अकर होता है क्लीवेज फरो के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है बिल्कुल ही मिडिल ऑफ द सेल में, मींस दोनों जो सेल होते हैं डॉटर सेल जो डॉटर सेल होते हैं बिल्कुल ही अपोजिट साइड में होते हैं, और उनके बिल्कुल ही मिडिल में क्लीवेज फरो अकर होता है जो कि सेल को डिवाइड करता है। और प्लांट सेल में मीन्स साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल जो होता है एक सेल प्लेटफॉर्म होता है इन द मिडिल ऑफ द टू सेल्स, जिसकी वजह से दोनों डॉटर सेल जो होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में अकर होता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में क्लीवेज फरो के द्वारा होता है, और साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल ये एक सेल प्लेट के द्वारा होता है जो डॉटर सेल को डिवाइड करता है अलग अलग। एट लास्ट माइटोसिस डिवीजन जो होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं बिटवीन द टू डॉटर सेल्स, मीन्स जो डॉटर सेल्स होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी पा लेते हैं और वो अलग अलग अपना खुद ग्रोथ करते हैं।
अब देखते हैं दूसरा फेज जो कि आपका मियोसिस फेज है। मियोसिस फेज को बेसिकली हम रिडक्शन फेज कहते हैं क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल्स होता है वो एन नंबर के फॉर्म होते हैं, मींस चार क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो क्रोमोसोम में, और फिर जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिर डिवाइड होते हैं एक एक क्रोमोसोम्स में, इसीलिए इसको हम रिडक्शन फेज कहते हैं। ये बेसिकली आपका अकर होता है जेनरेटिव सेल या रिप्रोडक्शन सेल्स में। मायोसिस बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, मायोसिस वन मायोसिस टू। मायोसिस वन में आपका चार फेजेस है, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज। मायोसिस वन में आपका जो प्रोफेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है क्योंकि इसमें खुद पांच स्टेजेस होते हैं, और वो पांच स्टेजेस के नाम है, पहला है आपका लेप्टोटिनी, दूसरा आपका जाइगोटिने, तीसरा आपका पैकेटिने, चौथा है आपका डेप्लोटिने और पांचवा आपका डाइकाइनेसिस। तो देखते हैं हम इसको शुरुआत से प्रोफेज के चारों फेज। प्रोफेज के पहले आपका इंटरफेज आता है मियोसिस में, जिसमें जो आपका सेल होता है वो रेस्टिक फेज में होता है लाइक माइटोसिस। इसमें जो सेल होता है न्यूली फॉर्म सेल वो अपने आप को तैयार करता है नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए। इंटरफेज के बाद आपका आता है लेप्टोटिनी फेज। लेप्टोटिनी फेज को हम लेप्टोनीमा भी कहते हैं। लेप्टो मतलब थिन होता है और नीमा मतलब थ्रेड होता है, मीन्स जो इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो कंडेंस हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स। मीन्स इसमें जो आपको क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका कंडेंस होते हैं और फॉर्म करते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है और सेंट्रियोल्स भी रहते हैं। फिर आपका आता है जाइगोटिने। जाइगोटिने को हम जाइगोनीमा भी कहते हैं। जाइगो मतलब पेयर होता है और नीमा मतलब थ्रेड होता है। जाइगोटिने में बेसिकली यही होता है कि आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो पेयर फॉर्म करते हैं, मीन्स एक पेयर फादर का होगा एक पेयर मदर का होगा, और इस पेयर को हम वाई वैलेंट सिनेप्स या होमोलॉगस पेयर भी कहते हैं। इसमें जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं साइड बाय साइड आते हैं और फॉर्म करते हैं एक होमोलॉगस पेयर, इसीलिए हम इसको जाइगोटिने नीमा भी कहते हैं, मींस पेयर थ्रेड। थर्ड है आपका पैचेटिने। पैचेटिने को हम पैची नीमा भी कहते हैं। पैची मतलब थिक होता है, नीमा मतलब थ्रेड होता है। इसमें बेसिकली आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेंट्रियोल सब होते हैं। पैचेटिना में बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर होते हैं, वो क्रॉस करते हैं एक दूसरे से, मीन्स इसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है फादर और मदर सेल का वो एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स। फिर इसके बाद आपका आता है डिप्लोटिने। इसमें जो आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर होने लगते हैं और जो सेंट्रियोल्स होते हैं अपोजिट साइड में मूव करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और स्टार्ट करते हैं रिपेल होना। प्रॉपरली उसमें रिपेल नहीं होता, जो रिपेलिंग का प्रोसेस होता है मीन्स अलग होने का प्रोसेस होता है वो अभी स्टार्ट हुआ रहता है, मींस स्टार्टिंग फेज में होता है डिप्लोटिने। अब पांचवा प्रोसेस जो है आपका मियोसिस फर्स्ट में आपका डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस को बेसिकली हम टर्मिनलाइजेशन फेज भी कहते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं मींस सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और इसमें स्टार्ट करते हैं मूव करना अपोजिट साइड में। इसमें जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली डिसअपियर हो गया रहते हैं और सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं मूव करना अपोजिट डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। फिर इसके बाद आपका आता है मेटाफेज। मेटाफेज में बेसिकली आपका माइटोसिस फेज की तरह ही होता है। इसमें जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपका बिल्कुल ही इक्वेटर में आ जाते हैं, जिसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। इसमें मेटाफेज में आपका जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच्ड ही होते हैं, प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते हैं। मियोसिस का ये जो मेटाफेज है ये भी बेसिकली आपका बेस्ट फेज होता है क्रोमोसोम्स को पढ़ने के लिए। अब आपका आता है एनाफेज जो कि थर्ड फेज है। एनाफेज में भी बेसिकली आपका जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर के हेल्प से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इस फेज में आपका डाइजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमोसोम्स हो जाता है, मींस जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते हैं, मींस एक क्रोमोसोम जो होता है वो दूसरे सिस्टर क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल लेके मूव करता है और जो सेकेंड क्रोमोसोम्स होता है वो फर्स्ट वाले सिस्टर क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको लेके मूव करता है, और ये जो दो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। फिर आपका चौथा आता है टेलोफेज। टेलोफेज में बेसिकली आपका सेम माइटोसिस फेज में जो होता है कि आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों आपका एकदम अपोजिट साइड में मूव कर चुके होते हैं और अपने जो पहला वाला फॉर्म होता है क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेते हैं। न्यूक्लियस आपका स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका स्टार्ट हो जाता है डेवलप होना, और इसमें जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में होता है।
साइटोकाइनेसिस में बेसिकली आपका जो दो डॉटर सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट सेल में होते हैं, और लास्टली ये फॉर्म कर लेता है आपका टू डॉटर सेल्स। याद रखिएगा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू के बीच में भी एक शॉर्ट फेज आता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज की तरह इसमें भी जो सेल होता है मींस प्री मैच्योर सेल होता है वो अपने आप को फिर से एबल बनाता है, मींस अपने आप को फिर से कैपेबल बनाता है सेकेंड सेल डिवीजन के लिए। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि बिटवीन मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू शॉर्ट पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बेसिकली हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अब देखते हैं आपका मियोसिस सेकेंड फेज। ये मियोसिस सेकेंड फेज प्रॉपरली और बिल्कुल ही सिमिलर होता है माइटोसिस के फेज में। इसमें जो आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है बिल्कुल ही सेम होता है आपका माइटोसिस से। अब प्रोफेज में बेसिकली आपका लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसमें जो आपका जो क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्रोमोसोम में फॉर्म होने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है वो आपका डिसअपियर होने लगता है। फिर आपका सेकेंड में आता है मेटाफेज जिसमें आपका लाइनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है बिल्कुल ही क्वार्टर में, और आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस बिल्कुल ही डिसअपियर्ड हो जाता है, और जो सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर लेते हैं जिसकी हेल्प से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपका बिल्कुल ही मिडिल में या मीन्स इक्वाटर में आ जाते हैं। थर्ड है आपका एनाफेज। एनाफेज में बेसिकली आपका यही होता है क्रोमोसोम जो होते हैं वो बीच से डिवाइड हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड सेंट्रियोल्स। टेलोफेज में बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम्स होता है वो अपना पहला फॉर्म लेने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से आपका प्रॉपरली डिफाइन होने लगता है, और टेलोफेज में बेसिकली आपका साइटोकाइनेसिस जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है मियोसिस सेकेंड का ये सिमिलर होता है माइटोसिस का। जो मियोसिस फर्स्ट में आपका जो दो डॉटर सेल्स बन के आया है वही दो डॉटर सेल्स जो होते हैं वो चार पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स एक डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है टू डॉटर सेल्स। तो मियोसिस में जो आपका एक सेल होता है वो डिवाइड करता है दो सेल, तो दो सेल होते हैं वो आपका फॉर्म करते हैं चार सेल, इसीलिए इसको रिडक्शन फेज कहा जाता है, जिसमें कि आपका एक सेल से चार सेल बनते हैं, मींस हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस और मियोसिस। ये बेसिकली आपका पूछ लिया जाता है दोनों में डिफरेंस। आपका है पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस आपको पता ही होगा ये सोमेटिक सेल्स में फॉर्म होता है इसीलिए हम इसको सोमेटिक डिवीजन भी कहते हैं, और मियोसिस जो होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल या जेनरेटिव सेल में फॉर्म होता है। माइटोसिस बेसिकली आपका टू आइडेंटिकल डॉटर सेल फॉर्म करता है जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और मियोसिस आपका फोर डॉटर सेल फॉर्म करता है जो कि बिल्कुल ही हैप्लॉयड होते हैं, मींस दो एक से चार बनते हैं। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स है आपका इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, मियोसिस में होता है उसमें आपका पेयरिंग शो करते हैं, मींस मैटरनल और पैटर्नल दोनों, मींस फादर और मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नेचर वो शो करते हैं। माइटोसिस में बेसिकली आपका जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है, और मियोसिस में जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस यही होता है कि क्रोमोसोम्स जो होता है माइटोसिस में वो क्रॉसिंग ओवर नहीं करते हैं, और मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रॉसिंग करते हैं, मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स में एक्सचेंज होता है। आई होप इसमें आपको सारे प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रोसेस आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम देखेंगे।